हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ फैमिली मालवेसी, राइट। ये कॉटन फैमिली है और सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी हम लोग किसी फैमिली को पढ़ते हैं तो उसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन लिख रखा है, किंगडम, डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास, सब क्लास, सीरीज, ऑर्डर ऑफ फैमिली। यानी कि जगत जो है वो क्या है, प्लांटे यानी कि पादप है। विभाग जो है वो फेनेरोगेम्स है। उपविभाग जो है वो एंजियोस्पर्मी यानी कि आवृत बीजी है। वर्ग यानी कि क्लास जो है वो डाइकोटिलेडोनी है। उपवर्ग यानी कि सब क्लास पॉलीपेटली है। श्रेणी यानी कि सीरीज जो है वो थैलेमी फ्लोरी है। गण यानी कि ऑर्डर जो है वो कौन सा है, मालवेल्स है। और फैमिली जो है वो कौन सी है, मालवेसी है। तो सबसे पहली जो चीज आपको मालूम होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ओके, हम ये जो फैमिली पढ़ रहे हैं वो एक डाइकोट फैमिली है। ओके, नाउ इस मालवेसी फैमिली के स्पेशल फीचर्स क्या हैं? पहला स्पेशल फीचर है अनुबाहुदल पुंज की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ एपिकेलिक्स। ये एकमात्र ऐसी फैमिली है जिसके अंदर की एपिकेलिक्स पाया जाता है और इस एपिकेलिक्स के अंदर 3 से लेकर 7 तक सह पत्रिकाएं पाई जाती है, यानी कि ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं। ओके, तो 3 to 7 जो है वो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सह पत्रिकाएं पाई जाती है, ब्रैक्टियोल्स पाए जाते हैं। एपिकेलेक्स जो होता है वो कैलेक्स के भी बाहर यानी कि बाहुदल पुंज के भी बाहर पाए जाने वाला ये चक्र है और ये केवल मालवेसी कुल की विशेषता है और ये किसी भी कुल के अंदर नहीं पाया जा रहा है। नंबर 2, दलों में जो पेटल्स होते हैं उनके अंदर एस्टाइवेशन कैसा होता है, दलों का विन्यास कैसा होता है। तो दलों का जो विन्यास है वो कैसा होता है, ट्विस्टेड। मैं अभी जब फ्लोरल डायग्राम बनाऊंगा तो उसके अंदर आपको मैं ट्विस्टेड एस्टाइवेशन यानी कि व्यवर्तित विन्यास बनाकर बताऊंगा, जो कि इस कुल की विशेषता है। तीसरा पॉइंट, पुंकेसर यानी कि स्टेमेंस, असंख्य होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं और एक संगी होते हैं। एक संगी का मतलब होता है मोनो एडल्फस कंडीशन, एक ही संघ के अंदर जितने भी पुंकेसर होते हैं वो सब एक ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं। और याद रखना, सारे पुंकेसर जुड़कर और स्टाइल के चारों ओर, वर्तिका के चारों ओर एक पुंकेसरी नाल यानी कि स्टेमिनल ट्यूब का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। पराकोष, देखिए इस फैमिली का पराकोष यानी कि एंथर बहुत इंपॉर्टेंट है। पराकोष जो होता है वो एक पालित होता है, मोनोथिकस होता है। ओके, मोनोथिकस और वृकाकार होता है, ऐसा वृकाकार होता है यानी कि किडनी के आकार का होता है, राइट। और कैसा होता है, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी को हम बोलते हैं एक्सट्रोड्स, यानी कि जो पराकोष होता है वो पुष्प के भीतर ही फट जाता है, बाहर फटता है, भीतर फटे तो इंट्रोड्स। और एक्सट्रोड्स ये कैसा है, बहिर्मुखी है। तो आमतौर के ऊपर पराकोष जो होते हैं वो भीतर फटते हैं, लेकिन इसका जो पराकोष है वो बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी का मतलब होता है एक्सट्रोड्स, क्या फटता है, बाहर की तरफ फटता है। अच्छा, याद रखना वर्तिकाग्र की संख्या अंडपों की संख्या के बराबर होती है, यानी कि नंबर ऑफ द कार्पल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द स्टिग्मास। वर्तिकाग्र की संख्या अंडपों की संख्या के बराबर, मतलब जितने अंडप होंगे, राइट, उतने क्या होगी, वर्तिकाग्र की क्या होगी, संख्या होगी। नंबर ऑफ स्टिग्मा इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पल। और स्तंभीय क्या पाया जाता है, बीजान्यास पाया जाता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। और पादपों के ऊपर क्या पाई जाती है, श्लेष्मा पाई जाती है। पादप ज्यादातर भाग जो पादप के होते हैं उसके अंदर क्या पाई जाती है, श्लेष्मा, म्यूकस होता है। ओके, और जो फल होता है, फ्रूट होता है, वो कौन सा है, संपुट। संपुट फ्रूट को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज नोन एज द कैप्सूल फ्रूट। ओके, नाउ जब आप स्पेशल फीचर उस फैमिली के पढ़ लेते हो तो आपको उस फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन मालूम होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। वितरण क्या है, इस फैमिली के अंदर 82 तो वंश है यानी कि 82 जीनस है और 1500 के करीब स्पीशीज है, जातियां हैं। और विशेष तौर से इस फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स और उपोष्ण यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों के अंदर इस कुल के पादप जो हैं वो पाए जाते हैं। यदि हम नेक्स्ट स्वभाव की बात करें, नेचर की बात करें, तो इसमें कुछ प्लांट्स तो शाक हैं यानी कि हर्ब्स हैं, कुछ प्लांट्स जो हैं वो श्रब्स हैं यानी कि झाड़ियां हैं, और कुछ पादप जो हैं वो कैसे हैं, वृक्ष हैं यानी कि ट्रीज हैं। जैसे कि हम शाक की बात करें तो 2 प्लांट्स यहां पर लिखे हुए हैं, एक तो है मालवा सिल्वेस्ट्रिस और दूसरा कौन सा है, साइडा। ओके, श्रब यहां पर 2 है, एक तो चाइना रोज, हिबिस्कस आप सभी जानते हैं, और दूसरा कौन सा है, कपास यानी कि कॉटन।
और वृक्ष के अंदर यहां पर दो है, एक का नाम तो है काइडिया और दूसरे का नाम क्या है, बॉम्बेक्स। ओके, तो वितरण हो गया, स्वभाव हो गया। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं वेजिटेटिव करेक्टर्स के ऊपर। इस फैमिली के वेजिटेटिव करेक्टर्स क्या है, तो वेजिटेटिव करेक्टर्स में कौन आते हैं, कायिक लक्षणों में कौन आते हैं, मूल, तना और पत्ती। तो मूल कैसी है, रूट कैसी है, तो टैप रूट है। वैसे भी आप जानते हो कि जितनी भी डाइकोट फैमिलीज होती है उन सब के अंदर कौन सा सिस्टम होता है, टैप रूट सिस्टम होता है, मूसला मूल पाई जाती है। स्टेम जो होता है वो कैसा है, ऊर्ध्व होता है, इरेक्ट होता है, बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल होता है, शाखित यानी कि ब्रांच्ड होता है, ठोस यानी कि सॉलिड, और कैसा होता है, रोएदार यानी कि इसके ऊपर स्टार शेप्ड या स्टीलेट हेयर्स या स्टार के आकार के ताराकार रोम जो होते हैं वो पाए जाते हैं, और तने के ऊपर श्लेष्मिक पदार्थ जो है वो पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। यदि हम पत्ती की बात करते हैं तो लीफ कैसी है, अनुपर्णी होती है, दैट इज अनुपर्णी यानी कि अनुपर्णी यानी कि स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है, स्टिप्यूलेट होती है, और कैसी होती है, सरल सिंपल होती है, एकांतर यानी कि अल्टरनेट होती है। और अनुपर्णी का मतलब क्या होता है, पत्ती के आधार भाग के ऊपर एक जोड़ी अतिवृद्धियों को हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल कहते हैं। तो पत्ती स्टिप्यूलेट है, सरल है, अल्टरनेट है, स्तंभिक मतलब पत्तियां जो है वो जब तने के ऊपर लगे, स्तंभ के ऊपर लगे तो स्तंभिक, और जब पत्तियां शाखा के ऊपर लगे तो शाखित। तो ये स्तंभिक भी हो सकती है या शाखित भी हो सकती है, कोलाइन या रेमल, और पत्ती के अंदर नीचे व्रंथ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूलेट यानी कि पिट्यूल प्रेजेंट होता है, और पत्ती की सतह पर ताराकार रोम पाए जाते हैं, और साथ के साथ पत्ती जो है वो विभिन्न आकृति की होती है, जैसे कि वृकाकार किडनी शेप, हस्ताकार यानी कि पामेट हथेली के समान, हृदयाकार यानी कि कैसी होती है, हार्ट शेप्ड हो सकती है, और अंडाकार यानी कि ओवल शेप्ड हो सकती है। और साथ के साथ ये याद रखना है कि इनके अंदर जो शिराविन्यास होता है वो कैसा होता है, बहुशीरीय, बहुशीरीय जालिका व शिराविन्यास, मल्टी कोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है। तो ये तो हो गए इसके क्या चीज, दैट इज नॉन एज द वेजिटेटिव करेक्टर्स मालवेसी फैमिली के। लेकिन जब आप वेजिटेटिव करेक्टर्स पलटते हो तो उसके बाद में आपको क्या आना चाहिए, फ्लोरल करेक्टर्स, जो कि इस फैमिली के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ते हैं अब कौन से, फ्लोरल करेक्टर्स ऑफ द फैमिली मालवेसी। और फ्लोरल करेक्टर्स में आपको पहली चीज जो पढ़नी होती है वो क्या पढ़नी होती है, दैट इज नॉन एज द इनफ्लोरोसेंस। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं फ्लोरल करेक्टर्स, राइट। फ्लोरल करेक्टर्स में सबसे पहला जो लक्षण है वो क्या चीज है, इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस यानी कि पुष्पक्रम, राइट। पुष्पक्रम अब कैसा होता है, तो देखो सबसे पहला दैट इज नॉन एज द एकल कक्षस्थ। एकल कक्षस्थ इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलेटरी, सोलेटरी एक्जिलरी, सोलेटरी एक्जिलरी। और सोलेटरी एक्जिलरी किसमें मिलता है, तो आपको याद रखना होगा चाइना रोज, जो इसका बहुत महत्वपूर्ण मेंबर है, राइट। साथ के साथ रेसीम किसमें मिलता है, रेसीम का मतलब होता है ससीमाक्ष, राइट। ससीम दैट इज नॉन एज रेसीम, या जिसको कि बोलते असीमाक्ष, असीमाक्ष पुष्पक्रम रेसीम। रेसीम किसके अंदर मिलता है, तो यू मस्ट नो अबाउट द एल्थिया रोजिया, एल्थिया रोजिया जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, गुल खेरा के नाम से जानते हैं, राइट। इसी तरीके से कंपाउंड रेसीम, कंपाउंड रेसीम, कंपाउंड रेसीम, राइट। कंपाउंड रेसीम यानी कि कंपाउंड असीमाक्ष, राइट। ये किसमें पाया जाता है, तो काइडिया के अंदर, और एक शाखी स सीमाक्ष, एक शाखी स सीमाक्ष यानी कि मोनो कैशियल साइम, मोनो कैशियल साइम, एक शाखी स सीमाक्ष। ये किसके अंदर पाया जाता है, तो कपास के अंदर यानी कि कॉटन के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या है, अलग अलग प्रकार के पुष्पक्रम हैं जो यहां पर मिलते हैं, लेकिन जो सबसे खास है वो कौन सा है, एकल कक्षस्थ सोलिटरी एक्जिलरी, जो किसमें पाया जाता है, चाइना रोज के अंदर पाया जाता है। अब इन्फ्लोरेसेंस के बाद में आपको फ्लावर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पुष्प कैसा होता है, तो यहां पर जो पुष्प है वो कौन सा है, ब्रैक्टिएट होता है, सहपत्रित यानी कि क्या होते हैं, सहपत्रित यानी कि सहपत्र उपस्थित होते हैं, और क्या होते हैं, सहपत्रिका युक्त,
जिसको कि हम बोलते हैं ब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्टियोलेट। ब्रैक्टियोलेट को BRL से शो करते हैं और ब्रैक्टियेट को किससे शो करते हैं? BR से। ओके, साथ के साथ आप लोगों को ये याद रखना है कि फ्लावर कैसा होता है, तो डेट इज पूर्ण, पूर्ण। पूर्ण होने के साथ साथ कैसा है, ये द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी होता है। और कैसा होता है? पूर्ण होता है। और कैसा है, सममिति कैसी पाई जाती है? त्रिज्या सममित, त्रिज्या सममित मतलब कि क्या होता है? एक्टिनो, एक्टिनोमॉर्फिक। और कैसा है? हाइपोगाइनस यानी कि जायांगधर, जायांगधर मतलब फ्लावर कैसा? हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस का मतलब होता है ओवरी सबसे ऊपर और बाकी सब भाग पुष्प के नीचे से निकलते हो। और फ्लावर कैसा है? पेंटामरस होता है। पेंटामरस का मतलब क्या है? पंचभागी, राइट, पंचभागी। और साथ के साथ आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि फ्लावर कैसा है, तो दैट इज सवरंती, सवरंती। सवरंती का मतलब क्या है? व्रंत होता है, दैट इज नॉन एज पेडिसिलेट। कैसा होता है? पेडिसिलेट। तो फ्लावर कैसा है? ब्रैक्टियेट है, राइट, सहपत्रित है, सहपत्रिका युक्त है, द्विलिंगी है, पूर्ण है, त्रिज्या सममित है, जायांगधर है, पेंटामरस है, और कैसा है? सवरंती है। और यदि पुष्प पेंटामरस हो गया तो इसका मतलब कैलेक्स और कोरोला ऑटोमेटिकली कितने कितने हो जाएंगे? पांच पांच हो जाएंगे, राइट। अब फ्लावर पढ़ लिया। अब वैसे तो दूसरी फैमिलीज में हम कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर आपको मालूम है कि हमने स्पेशल करेक्टर्स में पढ़ा है कि बाह्य दल पुंज के भी बाहर एक और चक्र होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? एपिकैलेक्स बोलते हैं। एपिकैलेक्स को क्या बोलते हैं? अनुबाह्य दल पुंज, अनुबाह्य दल पुंज। ये कहां पर होता है? कैलेक्स, कैलेक्स यानी कि बाह्य दल पुंज के क्या होता है? बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज के कहां पर होता है? के बाहर स्थित। ओके, और इसके अंदर सहपत्रिकाओं की संख्या, सहपत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना मिनिमम 3 से लेकर और कितनी होती है? 7 तक होती है, 3 to 7। और इसको कैसे इंडिकेट करते हैं? एपिकैलेक्स को, एपिकैलेक्स ऐसे इंडिकेट करते हैं, एपिकैलेक्स 3 to 7, राइट। मतलब कि एपिकैलेक्स में जो सहपत्रिकाओं की संख्या है वो कितनी है? 3 to 7 है। लेकिन एक अपवाद याद रखना कि एबुटिलोन, एबुटिलोन, एबुटिलोन व साइडा में अनुबाह्य दल पुंज, अनुबाह्य दल पुंज यानी कि एपिकैलेक्स क्या होता है? पूरी तरीके से क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। ये बात ध्यान रखनी है कि पूरी फैमिली के अंदर तो एपिकैलेक्स है। जैसे आप चाइना रोज के फ्लावर को देखोगे तो सबसे बाहर एपिकैलेक्स यानी कि अनुबाह्य दल पुंज आएगा, लेकिन अपवाद स्वरूप एबुटिलोन और साइडा के अंदर अनुबाह्य दल पूरी तरीके से क्या होता है? अनुबाह्य दल पुंज क्या होता है? पूरी तरीके से अनुपस्थित होता है। अब एपिकैलेक्स के बाद में हमको क्या पढ़ना होगा? दैट इज पुष्प के चार चक्र, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अब देखिए हम मालवेसी फैमिली के कैलेक्स के बारे में बात करते। कैलेक्स यानी कि बाह्य दल पुंज, आप जानते हैं इसको किससे डिनोट करते हैं? के से। तो फ्लावर कैसा था? पेंटामरस था। तो सेपल यानी कि बाह्य दल वो कितनी हो जाएगी? बाह्य दल कितनी हो जाएगी? 5। और कैसी होती है? संयुक्त बाह्य दली अवस्था। संयुक्त बाह्य दली का मतलब होता है गेमो सेपेलस कंडीशन। गेमो सेपेलस का मतलब होता है कि सेपल आपस में क्या है? फ्यूज है। सेपल क्या है? फ्यूज है आपस में। और कैसा होता है? कोर स्पर्शी विन्यास, कोर स्पर्शी, कोर स्पर्शी विन्यास। कोर स्पर्शी विन्यास का मतलब होता है दैट इज वॉल्वेट एस्टाइवेशन। यहां पर कैसा है? वॉल्वेट एस्टाइवेशन है। ओके, वॉल्वेट एस्टाइवेशन इज देयर। अब आ जाते हैं कैलेक्स के बाद में, नेक्स्ट आ जाते हैं और वो है कोरोला। कोरोला का मतलब क्या होता है? दलपुंज। अब यहां पर देखना है फ्लावर कैसा था? पेंटामरस था। तो पेटल कितनी हो जाएगी? पेटल यानी कि दल वो कितने हो जाएंगे? 5। और याद रखना इसको किससे डिनोट करते हैं? सी से। और यहां पर क्या होती है? पृथक बाह्य दली प्रवस्था, पृथक दली अवस्था मिलती है, पृथक दली
पृथक दली का मतलब क्या होता है? पॉलीपेटलस। यहां पर कौन सी कंडीशन है? पॉलीपेटलस है, ओके। और साथ के साथ आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि यहां पर एस्टाइवेशन जो है वो कौन सा है, तो यहां तो कोर स्पर्श विन्यास था, अब यहां पर कौन सा होता है? व्यवर्तित, व्यवर्तित यानी कि ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। यहां पर कैसा एस्टाइवेशन है? ट्विस्टेड एस्टाइवेशन है। ट्विस्टेड एस्टाइवेशन में क्या होता है? देखिए ऐसा होता है, ये आउट है तो ये कहां पर है? इन है। ये आउट तो ये इन, ये आउट तो ये इन, ये आउट तो ये यहां पर क्या है? इन। और ये आउट है तो ये क्या है? इन है। मतलब आप देख रहे हैं ये मैंने पूरा ट्विस्टेड अरेंजमेंट बनाया है, यानी कि ये दलों की मैंने कौन सी व्यवस्था बनाई है? व्यवर्तित एस्टाइवेशन बनाया, व्यवर्तित विन्यास बनाया मैंने। व्यवर्तित विन्यास का मतलब क्या होता है? देखो इस दल का किनारा एक बाहर है और ये दूसरे को ढक रहा है, लेकिन इसका किनारा, ये वाला जो किनारा है वो अंदर है और दूसरे द्वारा ढक दिया जा रहा है। तो इस तरीके का लगातार अरेंजमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो पेटल फाइव होती है, पृथक दली कंडीशन होती है, और व्यवर्तित क्या होता है? विन्यास होता है। अब जो बहुत खास है वो कौन सा है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यानी कि क्या चीज है? पुमंग, राइट। अब याद रखना पुमंग के अंदर यूनिट क्या है? पुंकेसर। पुंकेसर क्या होते हैं? स्टेमिन्स। और यहां पर जो स्टेमिन्स होते हैं उनके बारे में याद रखना, वो कैसे होते हैं? असंख्य होते हैं, राइट। स्टेमिन्स कैसे होते हैं? असंख्य होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, राइट। स्टेमिन्स कैसे होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। साथ के साथ आप लोगों को ध्यान रखना है कि अनेक तो होते ही है, यहां पर असंख्य होते हैं, और कैसे होते हैं? एक संगी होते हैं। ये यहां पर ये करेक्टरिस्टिक फीचर है। एक संगी का मतलब होता है मोनो एडल्फस, मतलब सारे के सारे जो पुंकेसर है वो एक समूह में होते हैं, ओके। और ये एक समूह में होते हैं और ये सब मिलकर पुंकेसरी नाल बनाते हैं। पुंकेसरी नाल को कहते हैं स्टेमिनल ट्यूब। और ये किसके चारों तरफ पाई जाती है? तो ये वर्तिका के चारों ओर स्थित होती है। ये वर्तिका के कहां पर होती है? चारों ओर क्या होती है? स्थित होती है। साथ के साथ ये यहां पर याद रखना है कि पुंकेसरी नाल तो सारे पुंकेसर मिलके पुंकेसरी नाल तो बना ही रहे, और यहां पर दल लग्न अवस्था पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपीपेटलस कंडीशन। एपीपेटलस कंडीशन को कैसे शो करते हैं? सी और ए, मतलब कि पुंकेसर जो है वो दलों से क्या है? जुड़े हुए हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दल लग्न अवस्था कहते हैं। कैसी कंडीशन है? दल लग्न अवस्था है। और जो पराग कोश होते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि पराग कोश जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो एक पालित होते हैं, एक पालित होते हैं, यानी कि मोनोथिकस होते हैं। मोनोथिकस है, मोनोथिकस होते हैं। साथ के साथ मैंने आपको क्या कहा था? वृक्काकार होते हैं। वृक्काकार यानी कि कैसे होते हैं? किडनी के आकार के होते हैं, किडनी शेप्ड होते हैं। और कैसे होते हैं? बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मैंने कहा था एक्सट्रोर्स। एक्सट्रोर्स का मतलब होता है ये कहां पर फटते हैं? बाहर फटते हैं। तो पराग कोश कैसे होते हैं? ऐसे किडनी के आकार के, ऐसे। और इसमें दो ही केवल क्या होती है? परागधानियां होती है। दो ही क्या होती है? परागधानियां। तो एंड्रोशियम कैसा है? असंख्य होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ये कैसे होते हैं? एक संगी होते हैं। ये क्या बनाते हैं? पुंकेसरी नाल बनाते हैं। वर्तिका के चारों ओर स्थित होते हैं। एक संगी का मतलब होता है सारे के सारे स्टेमेंस एक समूह में पाए जाते हैं। यहां पर दल लग्न अवस्था पाई जाती है, यानी कि पुंकेसर दलों से जुड़े रहते हैं। और पराग कोश एक पालित होता है, मोनोथिकस होता है, किडनी शेप्ड होता है, वृक्काकार होता है, और कैसा होता है? बहिर्मुखी होता है, ओके। नाउ इसका जो नेक्स्ट वर्ड होता है वो कौन सा है? गाइनोशियम। गाइनोशियम को हम क्या बोलते हैं? जायांग। तो जायांग की संख्या जो होती है वो पांच से अनेक अंडपी होती है। फाइव टू मैनी। और कैसी होती है? संयुक्ता अंडपी। संयुक्ता अंडपी का मतलब होता है अंडप आपस में क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं, यानी कि सिनकार्पस। कैसा होता है? सिनकार्पस होते हैं, ओके। और ये कैसी होती है? ओवरी जो होती है वो कैसी होती है? मल्टी लोक्यूलर होती है। मल्टी लोक्यूलर का मतलब होता है अंडाशय जो होता है वो कैसा होता है? बहुकोष्ठीय। बहुकोष्ठीय होता है, राइट। अंडाशय जो है वो कैसा है? बहुकोष्ठीय। साथ के साथ याद रखना कि अंडाशय कैसा होता है? अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्ध्ववर्ती। यानी कि ओवरी कैसी होती है? ओवरी सुपीरियर होती है। ओवरी
सुपीरियर ऊर्ध्वर्ती अंडाशय और बीजांड न्यास कैसा है, तो स्तंभीय बीजांड न्यास मैं अभी जब डायग्राम बनाऊंगा तो इन बीजांड न्यास में सारे ये डायग्राम ड्रॉ करूंगा। स्तंभीय बीजांड न्यास का मतलब होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन, कैसा है एक्साइल प्लेसेंटेशन है। और याद रखना वर्तिकाग्र की संख्या, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, स्टिग्मा वर्तिकाग्र की संख्या, वर्तिकाग्र की संख्या अंडपों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है, अंडपों की संख्या के बराबर होती है। तो जाएंगे कैसा है, पांच से अनेक अंडपी है, संयुक्त अंडपी है, ओवरी जो है वो बहुकोष्ठी है, मल्टीलोक्युलर है, अंडाशय ऊर्ध्वर्ती ओवरी सुपीरियर, क्योंकि फ्लावर कैसा था हाइपोगेनस था, जायंग दर था, स्तंभीय बीजान्यास होता है, और वर्तिकाग्र की संख्या जो होती है वो अंडपों की संख्या की क्या होती है बराबर। तो ये तो चार वर्ड हो गए, कैलेक्स कोरोला और ये एंड्रोशियम और ये गाइनोशियम। ओके अब आ जाते हैं हम लोग, जब गाइनोशियम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में आपको सीरीज के अंदर मैंने जैसा कि पहले भी कहा है कि फैमिलीज को पढ़ने का एक विशिष्ट तरीका होता है, उसी तरीके से ही आपको पढ़ना है, राइट, उसी तरीके से ही आपको पढ़ना है। जैसे कि अब आ रहा है नेक्स्ट आ जाता है और वो है फ्रूट टाइप, इस फैमिली के अंदर कौन सा फ्रूट पाया जाता है, कौन सा फ्रूट है, तो फ्रूट जो होते हैं वो कौन से हैं, तो नंबर वन साइजोकार्पिक को बोलते हैं भिदुर फल, और ये किसमें मिलते हैं, तो एबुटिलोन व साइडा के अंदर क्या मिलते हैं आपको, दैट इज नोन एज द भिदुर फल मिलते हैं। और याद रखना लोक्युली साइडल संपुट ये फल किसमें पाया जाता है, लोक्युली साइडल संपुट फल किसमें पाया जाता है, तो एक तो किसमें पाया जाता है, जैसे कि चाइना रूस के अंदर, राइट, जैसे कि किसके अंदर, आप चाइना रूस के अंदर आप ले सकते हो, राइट, और या फिर आप इसमें, इसके अलावा सबसे बेस्ट जो है वो कैप्सूल का वो कौन सा है, लोक्युली साइडल का आप ले सकते हैं, किसके अंदर, भिंडी के अंदर, भिंडी यानी कि एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस। एक और आप ले सकते हैं गुलखेरा यानी कि जिसको कि हम क्या बोलते हैं, गुलखेरा यानी कि एल्थिया रोजिया, राइट, इनके अंदर कैसा होता है, लोक्युली साइडल कैप्सूल। ओके और फ्रूट के बाद में डेट इज नॉन एज व्हाट द सीड, बीज कैसा होता है, तो बीज जो होता है वो इनके अंदर कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक का मतलब कैसा होता है, भ्रूण पोषी यानी कि भ्रूणीय परिवर्धन में पूरा के पूरा जो भ्रूणपोष है वो खर्च नहीं हो गया है, थोड़ा बहुत भ्रूणपोष शेष रह जाता है, तो सीड कैसा है, एंडोस्पर्मिक है। फिर उसके बाद में जब सीड पढ़ लेते हैं तो फिर आ जाता है परागन यानी कि पॉलिनेशन, तो वैसे तो पॉलिनेशन जो होता है वो कैसा होता है, पर परागन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और वो भी किसके द्वारा, कीटों द्वारा होता है, इंसेक्ट्स द्वारा, कीटों द्वारा। लेकिन याद रखना एक अपवाद है कि मालवा में स्व परागन पाया जाता है। और फिर उसके बाद में आपको ये मालूम होना चाहिए फ्लोरल फार्मूला, हर फैमिली का अपना क्या होता है, एक पुष्प सूत्र होता है, वो आपको आना चाहिए। आप सारे फ्लोरल करेक्टर्स को देखकर ही हम क्या बनाते हैं, पुष्प सूत्र बनाते हैं। तो पुष्प सूत्र क्या होगा, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाईसेक्सुअल, एपिकैलेक्स 3 टू 7, और कैलेक्स कितना है, 5 है, फ्यूज्ड है, कोरोला कितने हैं, दैट इज 5 है, और कैसे हैं, फ्री हैं, एंड्रोशियम जो है वो इनफाइनाइट है लेकिन जुड़े हुए हैं, और ऊपर दल लग्न प्रवस्था है, गाइनोशियम के अंदर 5 है से अनेक हो सकते हैं, 5 से अनेक, सिनकार्पस ओवरी क्या होती है, सुपीरियर होती है। ये क्या है, इसका फ्लोरल फार्मूला है, कौन सा, कैसे पढ़ेंगे, सहपत्रित, सहपत्रिका युक्त, त्रिज्या सम्मित, द्विलिंगी, अनुबाह्य दलपुंज में सहपत्रिकाओं की संख्या 3 टू कितनी होती है, 7 होती है,
बाह्यदल पुंज में बाह्यदलों की संख्या 5, संयुक्त दल पुंज के अंदर दलों की संख्या कितनी होती है? 5 है, और ये कैसे हैं? पृथक दली हैं। पुंकेसरों के अंदर, पुमंग के अंदर पुंकेसरों की संख्या असंख्य है, लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं, राइट? और ये आपस में तो जुड़े हुए हैं ही है, और ये किससे जुड़े हुए हैं? डेट इज दलों से भी जुड़े हुए हैं। तो ये कौन सी अवस्था हो गई? दल लग्न, एपिपेटलस कंडीशन। और गाइनोशियम के अंदर अंडपों की संख्या 5 से कितनी है? अनेक है, संयुक्त अंडपीय। और ओवरी क्या है यहां पर? सुपीरियर है। इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं? ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बायसेक्सुअल। एपिकेलेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 to 7 ब्रैक्टियोल्स। कैलेक्स कंसिस्ट ऑफ 5 सेपल्स विच आर फ्यूज टूगेदर। कोरोला कंसिस्ट ऑफ 5 पेटल्स विच आर फ्री। एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट स्टेमेंस विच आर फ्यूज एंड दे ऑल्सो शो एपीपेटलस कंडीशन। गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ 5 कार्पल्स, 5 to many कार्पल्स। सिन कार्पस यानी कि दैट इज दे आर फ्यूज। और ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर होती है। ये किसका फ्लोरल फार्मूला है? दैट इज नॉन एज द फैमिली मालवेसी का। अब यदि हम इसके बाद में हम पढ़ते हैं इस फ्लोरल डायग्राम के सहारे सारे, हम क्या पढ़ते हैं? फ्लोरल फार्मूला के सहारे सारे हम क्या पढ़ते हैं? दैट इज नॉन एज द फ्लोरल डायग्राम पढ़ते हैं। तो इस फैमिली का फ्लोरल डायग्राम भी आपको आना चाहिए। फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देखिएगा। फ्लोरल डायग्राम, राइट? क्या है ये? फ्लोरल डायग्राम यानी कि पुष्प आरेख। पुष्प आरेख, हम यहां पर पुष्प आरेख बनाएंगे किसका? चाइना रोज का, यानी कि हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का हम डायग्राम बनाएंगे। यहां पर देखिए, मैं यहां पर ये बनाता हूं, पूरा एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं आपके सामने। यहां पर सीयर, नाउ सी, ये तो देखिए, ये यहां पर वन, ये टू, ये सब मैं क्या बना रहा हूं? डेट इज ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, डेट इज नॉन इज द सेपल्स, यानी कि मैं बाह्य दलों को बना रहा हूं। ओके, यहां पर देखिए बाह्य दलों को देखो, ओके ये देखिए ये कितने बाह्य दल बन गए हैं? डेट इज 5 क्या बन गए? बाह्य दल बन गए। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब बाहर की तरफ ये तो हो गए बाह्य दल, अब बाहर की तरफ मुझे क्या बनाने हैं? दैट इज आई हैव टू मेक द एपिकेलेक्स। 1, ये 2 3 और ये 4 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। ये क्या बनाया मैंने? एपिकेलेक्स बना दी। 1 2 3 4 5 6 और 7, जिसमें 3 से लेकर और 7 तक क्या होती है? सहपत्रिकाएं होती है। मैंने मैक्सिमम बनाई है 7 बनाई है। तो ये तो हो गया एपिकेलेक्स, ये देखिए ये तो हो गया एपिकेलेक्स, ये जो है ये क्या हो गया? एपिकेलेक्स हो गया है, ठीक है। और ये जो है वो क्या हो गया? कैलेक्स, बाह्य दल पुंज। ये अपनी क्या हो गई? मदर एक्सिस, ये क्या हो गई? मदर एक्सिस। और अब कोरोला बनाएंगे, तो कोरोला कैसे बनाएंगे? तो सीयर हमेशा ध्यान रखो, आउट तो ये इन, अब ये आउट तो ये इन, देन ये आउट तो ये इन, देन ये आउट तो ये इन, और ये आउट तो ये इन। ये कौन सा है? मैंने व्यवर्तित विन्यास बनाया है दलों का। ये देखिए, ये मैंने दल बना दिए सारे, व्यवर्तित विन्यास। ये क्या बनाया मैंने? व्यवर्तित विन्यास, ट्विस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। ओके अच्छा, बीच में जो है वो ओवरी होती है, ये ओवरी बना दी। और ओवरी जो होती है वो मल्टीलोक्युलर होती है, कम से कम भी ये देखिए पंचभागी तो होती होती है, 1 2 3 4 एंड 5, है ना? तो ये कैसी है? पेंटालोक्युलर है या मल्टीलोक्युलर होती है। और स्तंभीय बीजाण्यास पाया जाता है। तो ये देखो मैंने बीच में ओव्यूल्स लगा रखे हैं, ये क्या है? बीजाण्ड लगा रखे हैं बीच में, जो कि शो कर रहा है कि स्तंभीय बीजाण्यास है। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हो कि अनेक बाहर की तरफ फटते हुए, यहां पर ये क्या चीजें? अनेक क्या पाए जाते हैं? बाहर की तरफ फटते हुए क्या पाए जाते हैं? दैट इज स्टेमेंस पाए जाते हैं। यहां पर कैसे पाए जाते हैं? स्टेमेंस, ऐसे ये सब स्टेमेंस है, आप देख सकते हैं ये बाहर की तरफ फट रहे हैं,
ये सब स्टेमेंस हैं, राइट, ये सब असंख्य स्टेमेंस है। और आप जानते हो कि स्टेमेंस के अंदर कौन सी कंडीशन मिलती है, तो एपीपेटलस कंडीशन में मिलती है। तो ये क्या शो कर रखी है मैंने, एपीपेटलस कंडीशन भी शो कर रखी है। तो ये जो आपके सामने पूरा बना हुआ है ये क्या चीज है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का फ्लोरल डायग्राम। एट लास्ट हमें मालवेसी फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले मैंने लिखा है फूड यानी कि वेजिटेबल का सोर्स होता है, जैसे कि भिंडी इस कुल की सदस्य है, तो एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस का उपयोग वेजिटेबल्स के रूप में होता है। इस फैमिली से रेशे भी प्राप्त होते हैं, फाइबर्स भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि कॉटन, आप सब जानते हैं कॉटन से रेशा प्राप्त होता है। कॉटन की अलग अलग वेराइटीज होती है, कॉटन को बॉटनी के अंदर गॉसिपियम कहते हैं, तो गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम हिर्सुटम, गॉसिपियम बार्बिडेंस और गॉसिपियम हर्बेशियम, ये सब क्या है, कॉटन की वेराइटीज है। इसी तरीके से विलायती सन करके एक रेशे निकलते हैं विलायती सन से, जिसको यूरेना लोबेटा भी कहते हैं। हिबिस्कस कैनाबिनस, इसको पटसन कहते हैं, इससे भी रेशा प्राप्त होता है। और हिबिस्कस सबडेरिफा, इसको पटवा कहते हैं, इससे भी रेशे प्राप्त होते हैं। तो मैंने चार उदाहरण जो हैं वो लिखे हैं किसके, रेशों के, जो इस फैमिली के मेंबर्स हैं और उनसे रेशे प्राप्त होते हैं। ऑयल, जैसा कि आप जानते हैं कॉटन सीड ऑयल, कपास के बीजों से तेल निकाला जाता है। हिबिस्कस मॉस्विटस, ये जो हिबिस्कस मॉस्विटस होता है, इससे निकलने वाला जो ऑयल होता है उसका परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज होता है। इसी तरीके से पेवोनिया ओडोरेटा, पेवोनिया ओडोरेटा से प्राप्त ऑयल को हीना नामक एक परफ्यूम होता है, उसको तैयार करने में इसका प्रयोग होता है। कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी है, जैसे कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज, ये सजावटी पादप है। एल्थिया रोजिया, गुलखेरा बोलते हैं इसको, हॉली हॉक भी कहा जाता है। हिबिस्कस म्यूटेवेलियस, इसको गुल अजुआ या गुल अजुबा कहते हैं। मालवा सिल्वेस्ट्रिस, मेलो कहते हैं। बॉम्बेक सीबा, यानी कि ये क्या है, सिल्क कॉटन ट्री, राइट, ये भी सजावटी पादप है। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी है यहाँ पर। यूरेना लोबेटा, इसकी जड़ व छाल से जो एक्सट्रैक्ट प्राप्त होता है उसको हाइड्रोफोबिया रोग के उपचार के लिए भी किया जाता है। मालवा पत्ती, जड़ और बीज जो होते हैं मालवा सिल्वेस्ट्रिस के, वो बुखार में उपयोगी होते हैं। और ए बुटिलोन, इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है रूट का, उसको हम यूज करते हैं बुखार को ठीक करने में, फीवर को ट्रीट करने के अंदर। और गॉसिपियम के बीजों में, यानी कि कपास के बीजों में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, डी और ई होता है, और उसमें बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। तो ये जो था स्टूडेंट्स, ये पूरा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट क्लासिफिकेशन से लगाकर और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से था, मालवेसी फैमिली के बारे में था ये। हम और भी फैमिलीज के वीडियोज लेकर आएंगे, मेरी वीडियोज को देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट।